ये कहानी ऐसी लड़की की है जो कि अपने भाई की ही मूली काट देती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो सौतेले भाई भाई दिखाए जाते हैं जो कि एक टब में नहा रहे होते हैं। तभी उसका भाई उसकी गुफा में उंगली डाल देता है। उसकी गुफा में उंगली डालते ही उसके भाई की उंगली कट जाती है। तभी हमें कहानी आगे की दिखाई जाती है जब वो लड़की जवान और हसीन बन जाती है और वो अपने कॉलेज में जाती है। वहाँ पर वो एक लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है। वो उस लड़के के साथ कुछ करना चाहती है पर वो लड़का चूतिया सा होता है। खैर उसकी क्या बात करनी। तो वो लड़की अगले दिन एक मॉल में घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एक सेक्सी मूवी लगी होती है जिसका सीन देख कर इन दोनों का खड़ा हो जाता है। क्या लड़की का खड़ा नहीं होता, लड़के का खड़ा हो जाता है। तो उनका मूड बन जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो लोग एक घूमने का प्लान बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ। और वो लोग एक जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी गुफा होती है जहाँ पर ये लोग गपा गप करने की सोचते हैं। तभी वो लड़का उसे सेक्सी बातें कर उसे उस गुफा में ले जाता है और गपा गप करने की सोचता है और उसे किस करने लगता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी वो इस चीज़ का फायदा उठाकर अपनी मूली बाहर निकालता है और उसकी गुफा में डालने की कोशिश करता है और डाल भी देता है। पर जैसे ही लड़की को होश आता है तो वो डर जाती है। पर जैसे ही वो डरती है तो उस लड़के की मूली कट जाती है। तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन वो लड़की किसी डॉक्टर के पास जाती है और उसे बात करती है कि जरा चेक करना मेरी गुफा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो डॉक्टर की गुफा चेक कर रहा होता है तो उस डॉक्टर की भी उंगलियां कट जाती है। तो वो लड़की वहाँ से डर कर अपनी कच्ची और बड़ा लेकर भाग जाती है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बीमार है और उसका भाई किसी के साथ गपा गप करने में लगा हुआ है। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वो काफी परेशान होती है। वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बात करती है। उसका फ्रेंड अखंड चूतियापा होता है। उसे पता भी है इसकी लेने से उसकी कट सकती है पर वो फिर भी उसकी बड़े प्यार प्यार से ले लेता है और उस पर हंस रहा होता है। कहता है देखा मैंने तुम्हारी ले ली और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी उस लड़की को गुस्सा आ रहा होता है। अब तो वो कहती है अब फिर से लेके दिखाना मेरी। तो वो फिर से उसकी लेने की सोचता है जिस कारण उसकी मूली कट जाती है। अब लड़की वहां से चली जाती है। तभी उस लड़की के बाप को कुत्ता काट लेता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसके भाई ने करवाया है। तो उसे अपने भाई पर गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने भाई के पास जाती है और उसे गंदी बातें कर उसे भेला फुसला कर उसका खड़ा करा देती है और उसे अपनी लेने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपनी बहन की लेने लगता है तो उसके भाई की भी मूली कट जाती है। वो लड़की बड़ी खुशी से सब कुछ छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वो जा रही होती है तो रास्ते में से टैक्सी वाला दिखता है जो कि बूढ़ा होता है। वो टैक्सी वाला से बेहोश कर उसकी लेने की सोचता है तो वो काफी डर जाती है पहले तो। फिर बाद में उसे याद आता है कि इसकी भी मूली कट जाएगी। वो कहती है चल ले ले आ जा। और ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।